सब लोग वहाँ पे बंद हो गए हैं, बर्फ गिरा है। क्या होगा उनका हाल जिनके पति, पिता, रिश्तेदार घर का पेट पालने के लिए चमोली गए थे, लेकिन 7 फरवरी को आए सैलाब के बाद से अचानक लापता हो गए। और इसके बाद इनके गरीब, बेबस, लाचार घरवालों के सामने अंधेरे के सिवा और कोई तस्वीर नहीं है। इसके बाद भी बेबस ये लोग बस इसी आस में हैं कि किसी तरह उनके घरवालों का एक संदेश आ जाए कि वो घर वापस जरूर आएंगे। घर के दरवाजों पर खेलती हर मासूम बच्ची को बस यही आस है कि उसके पिता जल्द ही उसके लिए खिलौने लेकर वापस लौटेंगे। हर आहट, हर आवाज पर चौंकते ये लोग हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, हर चौखट पर माथा टेक रहे हैं। सूचना ये मिली, जैसे बताया गया कि वहाँ सैलाब आ गया है, तो हमारे पास में वहाँ से फ़ोन आया, तो बाद में हमने यहाँ से फ़ोन किया तो उनका किसी का फ़ोन नहीं लगा। अच्छा, तब से हम परेशान हैं। अच्छा, तो वो कहीं कंपनी में काम करते थे वहाँ? हाँ, कंपनी में काम करते। अच्छा, कहाँ, किस जगह पे काम करते थे वो? तपोवन में काम करते। अच्छा, तपोवन डैम में। आपका भी लड़का गया था काम करने के लिए, क्या नाम है उसका? अच्छा, ये सूचना आपको कैसे प्राप्त हुई है? हमको यहीं के लड़का खबर दिया, यहाँ के लड़कों ने साथ दिया है। अच्छा, तो यहाँ के लड़कों के साथ ही काम करने गया था आपका लड़का? अच्छा, क्या नाम था उस लड़के का? गौरी शंकर। सूचना मिली हम लोगों को कि वहाँ पे ऐसा हादसा हो गया है। हमारे गांव के 5 लोग फारूक हैं। अच्छा। और एक हमारे यहाँ मतलब वर्मा में था, धर्मेंद्र वर्मा, जिसमें एक लड़का जीवित बचा है, बाकी सब लापता है। मतलब कुछ पता नहीं लग रहा है, ये हादसा जो है, इस हादसे में लापता है, मतलब कल से कोई पता नहीं लग रहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एट 9। देश के सबसे बड़े राज्य की बात हो तो नाम आता है उत्तर प्रदेश का, और जब देवों की भूमि की बात हो तो नाम आता है उत्तराखंड का। अब देवभूमि में आई प्रलय का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगा है। 7 फरवरी को चमोली में जब ग्लेशियर टूटा था तो बेलगाम जलधाराएं सैलाब बनकर सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा दिखी। तस्वीरें दिल दहला देने वाली थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं वो परेशान करती हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, श्रावस्ती व सहारनपुर से लोगों के लापता होने की खबरें मिल रही हैं। ये सभी लोग तपोभूमि विद्युत परियोजना में काम करने गए थे। 7 फरवरी के दिन उत्तराखंड में चमोली के रेड़ी गांव में लोग घरों में नींद से जागे ही थे कि सैलाब उनके घर आ गया। रविवार था तो स्थानीय लोग घर पर थे, लेकिन बहुत से लोग काम पर भी गए हुए थे। बहुत से लोग श्री गंगा पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। श्री गंगा पावर प्रोजेक्ट तो तबाह हो गया, लेकिन साथ में कितनी ही जिंदगियों को वो खौफनाक मंजर भी दिखा गया जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। 17 लोगों के शव मिले हैं, तो वहीं सैकड़ों की तलाश अभी भी जारी है। अब इसकी जद में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश भी आ गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से खबर आ रही है कि उत्तराखंड में काम करने गए लगभग 70 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग उत्तराखंड के पावर प्रोजेक्ट पर काम करने गए थे, जिसके बाद से इनका कोई अता पता नहीं है। यूपी सीएम ने इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, लेकिन ये बदहवास महिलाएं, रोते बिलखते बच्चे, आखिर इनके आंसुओं का जिम्मेदार कौन है? प्रकृति ने जो कहर इन पर ढाया है उसका एहसास करना हमारे लिए काफी मुश्किल है। तो माजिद का कल से पता है कुछ? ना जी, कल से कोई पता नहीं है, फोन फान कल से मिल नहीं रहा। जो उनके साथ साथी रहते हैं? जी ना, उनका मिल रहा है। जब से गए कोई भी पता नहीं आया। कल से हमारे बच्चे भी इतने रो रहे, हम भी इतने रो रहे, कोई पता सता कुछ नहीं है उनका। कल से कोई फोन वोन जो सरकार ने दिया है जिस नंबर पर वहाँ कॉन्टेक्ट पर कोई बात हुई? कोई भी बात नहीं हो रही, फोन भी नहीं मिल रहे। कहाँ आपके पति का कोई फोन फान आया है? आया था। कब आया था लास्ट बार? पहली तारीख को, दूसरी तारीख को। अच्छा, फिर नहीं आया। आपने कल से ट्राई किया फोन? जी। सोचो पा रहा है कहीं बात हो पाई है? उत्तराखंड के लोगों के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब प्रकृति ने उनकी परीक्षा ली हो।
लेकिन वहां काम करने गए उत्तर प्रदेश निवासी ये लोग किस हाल में होंगे इस पर कुछ भी बोल पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक सिर्फ उन लोगों को चिन्हित किया गया है जिनका रजिस्ट्रेशन था या किसी अन्य तरह से वो दस्तावेजों में कागजी किए गए थे। इनके अलावा आप अंदाजा लगाइए कितने ही लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनका ना तो कहीं दर्ज थे, ना ही उनका कहीं नाम था और ना ही उनकी कोई पहचान करने वाला अभी वहां मौजूद है। अपने सबसे करीबियों का घर की चार दीवारी के अंदर महफूज रहने का एहसास कुदरत का एक ऐसा कर्म है कि जिसकी अदायगी कैसे भी नहीं की जा सकती। लेकिन जरा अंदाजा लगाइए उस पत्नी के होशो हवास, उस मासूम बच्ची की सिहरन और उस पिता की बेबसी का कि कुदरत ने उनका सब कुछ छीन लेने की ठानी हो। अंदाजा लगाइए उनके घरों का जो कल तक बातचीतों से गुलजार थे तो आज शांति की चादर ओढ़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। उत्तराखंड में आई विपदा का असर उत्तर प्रदेश में तो दिख रहा है, लेकिन प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी तंत्र को लापता लोगों की खोज में लगा दिया है। हम उम्मीद करते हैं जल्द ही इनके घर वो वापस लौट कर आएंगे कि जिनके घर कहीं दूर चले जाने की संभावना भर से बीते तीन दिन से इनके घरों में ना तो चूल्हा जला है ना ही किसी ने दिन का मुस्कुराना देखा। धन्यवाद।